पीआईबी कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा आज जिला करनाल में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य पीआईबी और जिला के उप जिला स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना रहा। श्री मंगलसेन ऑडिटोरियम करनाल में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा जी ने पीआईबी चंडीगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक श्री राजेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में किया। अतिरिक्त महानिदेशक क्षेत्र पीआईबी चंडीगढ़ श्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सूचना के प्रसार के लिए मीडिया सबसे शक्तिशाली साधन है। खोजी पत्रकारिता पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा मीडिया को विकास पत्रकारिता पर भी ध्यान देना चाहिए और जमीन से सफल और सकारात्मक कहानियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में यह मीडिया के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक सक्रिय भागीदारी का गवाह बनेगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री राजेंद्र चौधरी ने यह दोहराया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा साझा की गई जानकारी को बढ़ाना चाहिए और जनता के बीच विकास के संदेश को प्रसारित करने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने पीआईबी फैक्ट चेक के बारे में बताते हुए कहा, जहां पर मीडिया सहयोगी किसी भी फैल रही अफवाह के बारे में फैक्ट चेक जैसी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें आज के समय में साझा करना अति आवश्यक है। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण में करनाल में मीडिया कार्यशाला के आयोजन के लिए पीआईबी चंडीगढ़ के प्रयासों की सराहना की, जिसे उन्होंने मीडिया और सरकार के बीच संवाद के लिए सबसे अच्छा मंच करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते मीडिया सरकार की आंख और कान के रूप में कार्य करता है और जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की कार्रवाई से संबंधित आवश्यक प्रतिक्रिया प्राप्त करने और चिंताओं को दूर करने के लिए भी मीडिया का एक आवश्यक रोल है। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया दोधारी तलवार के रूप में काम करती है। यह मीडिया पर निर्भर है कि सकारात्मक और विकासात्मक कहानियों को जन जन तक पहुंचाएं या नहीं, और मीडिया रचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए खुद का इस्तेमाल कैसे करे। प्रोफेसर डॉक्टर आबिद अली ने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही व्यवहारिक सत्र प्रस्तुत किया और कहा कि सोशल मीडिया मुख्य धारा के मीडिया के साथ दर्शकों के एकीकरण के माध्यम से सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रामाणिक जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया की जिम्मेदारी का उपयोग करना चाहिए। प्रोफेसर सत्येंद्र यादव ने ड्रोन संचालन, उपयोग और कानूनी पहलुओं की जानकारी। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक किसानों के जीवन में जोखिम को कम करती है, पानी और समय की बचत करती है और फसल के खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान लागत प्रभावी होती है। डॉक्टर रश्मि सिंह ने आज के समाज में महिला सशक्तिकरण के महत्व को उजागर किया और महिलाओं के कल्याण की दिशा में सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने महिलाओं से अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी करनाल श्री मनोज कौशिक ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रयास की सराहना की और कहा कि ऐसे बेहतर समन्वय के लिए क्षेत्र में मीडिया कार्यशालाओं की नियमित रूप से मदद की जानी चाहिए। श्रीमती वाटिका चंद्रा, फील्ड प्रचारक अधिकारी पीआईबी चंडीगढ़ ने मीडिया और अतिथियों का स्वागत किया और श्री अहमद खान, फील्ड प्रचार अधिकारी सीबीसी चंडीगढ़ ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 70 से अधिक पत्रकारों ने कार्यशाला में भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए और विभिन्न मुद्दों पर इनपुट भी प्रदान किए। कार्यशाला का आयोजन आम नागरिकों के कल्याण के लिए
केंद्र की विभिन्न योजनाओं के बारे में पत्रकारों को जागरूक करने के लिए किया गया था। वार्तालाप शीर्षक वाली यह कार्यशाला सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया आउटरीच रणनीति का हिस्सा है और सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में प्रामाणिक जानकारी के साथ पत्रकारों को सशक्त बनाकर जनता और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए संकल्पित है। तकनीकी सत्रों के बाद इंटरैक्टिव प्रश्न उत्तर सत्र भी किया गया। कार्यशाला के बाद हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट सुश्री निशा सोलंकी द्वारा ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए और रचनात्मक फीडबैक भी प्रदान किए। पत्रकारों ने कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीआईबी को भी धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तरह की कार्यशाला और भी आयोजित की जाती रहेंगी।